राजनांदगांव के ग्राम संबलपुर से बिंदरी जाने वाले मार्ग पर पुल निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में जाने के लिए तीन मार्ग हैं, जिसमें दो मार्ग पर नदी पार करनी पड़ती है, जबकि एक मार्ग कच्ची सड़क नहीं होने के कारण बारिश में चलने लायक नहीं रहता। गांव में तीनों ओर से आने के लिए यहाँ के निवासियों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। प्रसूति या बीमार महिला को गांव से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कमर तक पानी को पार करके जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर शासन प्रशासन को कई मर्तबा आवेदन भी किया है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि रकम वापस चली गई। वहीं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष खमन ताम्रकर का कहना है कि बीजेपी के शासन काल में इस पुल के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन कांग्रेस की सत्ता आते ही पैसा वापस चले गए, जिसके चलते इस मार्ग पर पुल निर्माण नहीं हुआ। रसनांदगांव से संवाददाता इला सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेंद्री से भुरभुशी वो पुलिया बजट में स्वीकृत हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय में जनपद में उपाध्यक्ष था और मेरे जनपद क्षेत्र में आता था, वो बजट में स्वीकृत हुई थी। लगभग 2 करोड़ का उसका सेंक्शन था, लेकिन कुछ कारणवश जब सरकार बदल गई तो बजट में स्वीकृत जितने भी काम थे, चाहे वो पुलिया की बात हो या हमारे क्षेत्र को जो भी काम था, वो सारा काम वापस चला गया। मतलब 10 साल हो गए हम मतलब पुल की मांग करत करत। कहाँ से कहाँ तक मार्ग वाले पुल के निर्माण? ये है यहाँ से संबलपुर क्रास, संबलपुर से बेंद्री मार्ग। हाँ, बेंद्री मार्ग। और पढ़े लड़का मन पेंडर माने जाते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दे दूरी है। इधर जाओगे नंदिया भुरभुसी तरफ, इधर जाओगे नंदिया पढ़ाई भी नहीं होता है। दिलवरी के समय आता है तो खान में उठा के गेड़ा नदी पार करने लगता है, इतना परेशानी है। चुनाव समय आता है तो बनेंगे के बोलते हैं। आपन का चाहते हैं? हमारा पुल बनना चाहिए के कहा। आपके नाम? द्वारका छत्री बेंद्री। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।